इस वक्त टोहाना के बस स्टैंड पे और यहाँ पर एक चोरी की बड़ी घटना दिन दहाड़े वो भी एक महिला के द्वारा अंजाम दिया गया था, लेकिन जागरूकता के चलते उस महिला की जिसकी चोरी हुई थी उसका सामान जो है वापस उसी चोरी करने वाली महिला से बरामद हो गया है। पूरी स्टोरी किस प्रकार है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब रोडवेज की बस जो इस साइड में लगती है यहाँ पर लगी हुई थी, वहाँ पर एक जो लेडीज़ थी उसने जो है अपने एक चैन थी और कुछ पैसे वो अपने पर्स में चैन उसने डाली, तो जो बराबर में महिला थी उसने उसको देख लिया और उसने धीरे से मतलब उसकी जो चैन है वो निकाल कर चोरी कर ली। इसके बाद जब महिला को उस पर शक हुआ तो उसे बस से नीचे उतारा गया, तो काफ़ी यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी थे और भी थे जिन्होंने मिल करके जब उस महिला ने उसकी तलाशी ली तो वो चैन उससे मिल गई। मतलब बहुत बड़ी जो चोरी की वारदात थी वो बाल बाल महिला बच गई जागरूकता के चलते। तो मेरे साथ ये डांगरा से है, क्या नाम आपका? मेरा नाम है गुरमीत। गुरमीत, बस स्टैंड में चौकीदार के पद पर हूँ। बस स्टैंड में चौकीदार के पद पर है, तो आप बताएं कैसे ये घटना हुई दिन दहाड़े और कैसे मतलब वो बच पाया सारा? ये मोनक से बस चली थी और दोनों सवारी एक साथ बैठी थी, जो चोरी करने वाली और सिंपल सवारी। तो उसने अपनी चैन निकाली और पर्स में पैसे और चैन अपने पर्स में डाल लिए, तो दूसरी महिला ने उसको देखा। देखने के बाद उसका थोड़ा दाएं बाएं ध्यान गया तो उसने उसके पर्स से चैन निकाल ली और पैसे भी निकाल लिए। तो उस महिला ने थोड़ी देर बाद में पर्स संभाला तो उससे वे चीज़ गायब थी। तो महिला ने यहाँ बस स्टैंड पे मूणक से बस चली थी, बस स्टैंड पहुँचने के बाद तो उस पर शक हुआ तो उसने वो पकड़ ली। पकड़ने के बाद उनकी थोड़ी मोटी हथापाई हुई तो हम बस स्टैंड से वो बस से नीचे उतर कर ले आए यहाँ पे बस स्टैंड से। तो उसका पर्स चेक किया या जो भी थैला ले रही थी वो, उससे वो चैन और पैसे बरामद हो गए थे, वो उसके पर्स में मिले दूसरी महिला। हाँ हाँ हाँ, तो हमने यहाँ टोहाना बस स्टैंड से पुलिस को सूचना दे दी गई थी, तो पुलिस मौके पर पहुंची तो चोरी करने वाली महिला को और जो जिसका सामान चुराया था उसको थाने ले गई। तो आप देख सकते हैं टोहाना के बस स्टैंड पर दिन दहाड़े किस प्रकार एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी जागरूकता वो महिला ना करती या आवाज़ ना उठाती तो उसकी जो सोने की चैन थी और लगभग जो कुछ पैसे थे वो उसके चले गए थे। तो सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि जागरूक रहें, या तो अपने जो कीमती गहने हैं वो पहनकर आप यात्रा ना करें, अगर करते भी है तो सावधानी के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर जब महिला पहुँची पंजाब से तो उस महिला ने आते ही उस महिला जिस पर डाउट था उसको पकड़ लिया, तलाशी ली, जिनमें आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर थे और यहाँ के जो लगे हुए हैं जैसे और भी साथी हैं उन्होंने मिलकर के जो सहयोग किया और उस महिला को जो है कामयाब हुए उस महिला से वो गहने निकलवाने के लिए। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इसको लेकर आप जागरूक रहे। आइए चलते हैं जो बस स्टैंड प्रबंधक है उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ जो वारदात हुई है उसको लेकर क्या कहते हैं। आज सुबह की घटना है, एक दो बस लेकर यात्रियों को मुणक से चली थी और उसके अंदर एक गुड़िया थी 8-1 साल की और उसकी मम्मी थी, उस गुड़िया की मम्मी थी उसने पड़ोस में बैठी महिला से एक लॉकेट था चैन के साथ सोने का वो पर्स से निकाल लिया और कुछ पैसे भी उस महिला से मौके पे ही बरामद कर लिए, उस महिला ने ही बरामद किए हैं जो उसके साथ यात्रा कर रही थी जिसके निकाले गई थी। और उसके बारे में हमने सूचना पुलिस विभाग को दी थी और वहाँ से 112 नंबर पे कॉल करने के बाद PCR आई, उस महिला को और जिसका नुकसान हुआ था उन दोनों को पुलिस विभाग वाले कर्मचारी यहाँ से महिला थाने में लेकर चले गए। तो सर यात्रियों से यही अपील है कि भाई जो भी आप अपना कीमती सामान लेकर बसों में यात्रा ना करें, और यदि कोई ऐसी मजबूरी है कि भाई हमें कीमती सामान या पैसे वगैरह लेके जाना भी पड़ सकता है तो उसको सुरक्षित ऐसी जगह पर लेके डाल कर लेके जाएं जिससे दूसरों को शक ना हो और उनकी यात्रा सफल हो सके, ऐसा प्रावधान करके उनको चलना चाहिए।